of marginal costing in Graduate Guru. Today we'll be continuing with your next question, that is your question number 29. Let's start with the question. The question says a firm sales 25,000 units at a selling price of 5 per unit. Matlab 25 units ka sales hai aur selling price per unit is 5. Fixed cost is 40 and variable expenses is rupees 50,000. फिर वो लोग ने बोला है फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द फर्म, ऑल्सो फाइंड आउट द बीईपी व्हेन. वो बाद में करते हैं, बट एक चीज देखो यहाँ पर अलग है. वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल दिया है एंड वी रिक्वायर वेरिएबल कॉस्ट इन पर यूनिट. सिंपल है, कैसे निकलेगा? पर यूनिट निकालने के लिए टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा. ठीक है, देन दे आर सेइंग ऑल्सो फाइंड आउट बीईपी व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 30, fixed cost is increased by 15, fixed cost is decreased and selling price is also decreased. We've done a similar type of question, but again I thought let's do it because it is necessary aur aise questions poochte hai. But uske pehle we'll make a table, a statement where we will show and write what all information is already given. So we prepare a statement. Particulars, selling price less variable cost gives you contribution less fixed cost gives you profit. Now सबसे पहले तो कितने यूनिट्स दिए, तो दे हैव गिवन यू 25,000 यूनिट्स. देन वी मेक अ कॉलम फॉर पर यूनिट और एक कॉलम बनता है टोटल का. सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है, दे हैव गिवन यू द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी 5 एंड फिक्स कॉस्ट इज 40. दिस इज 5, दिस इज 40. आफ्टर दैट दे हैव गिवन यू वेरिएबल एक्सपेंसिस टू बी 50,000 और फिर वो लोग ने पूछा है कि बीपी कैलकुलेट करो. बट उसके पहले लेट्स फिनिश दिस टेबल. फॉर फिनिशिंग दिस टेबल सबसे पहले विल स्टार्ट विद सेलिंग प्राइस जो दिया है 5. उससे अपन टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे होगा? 5 इंटू 25,000 यूनिट्स विच इज 1,25,000. उसके बाद नाउ वी रिक्वायर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वो कैसे निकलेगा? 50,000 अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यू विल गेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 EIR 2, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 3 एंड योर 3 इंटू 25,000 गिव्स यू 75,000 या फिर 1,25,000 माइनस 50. फिर ये 40,000 माइनस होगा तो बचेगा 35,000 विच इज योर प्रॉफिट. ठीक है, अभी यहां पर पूछा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ दे हैव नॉट स्पेसिफाइड कि ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकालना है, यूनिट्स की रुपीज. सो दोनों में निकालने के लिए अगेन वी विल नॉट डू ब्रेक इवन पॉइंट फर्स्ट, वी विल डू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? नाउ यू मस्ट बी नोइंग इट. बुक में बिना देखे आपको ये फॉर्मूला भी आ जाना चाहिए. द फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. करेक्ट. नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन इज 3, सेल्स इज 5 इनटू 100. देखो कितना परसेंट आ रहा है, 60. सो माय पीवी रेशियो is 60%. And now we shall calculate break even point. ठीक है, सबसे पहले let's calculate break even point in rupees. Formula होगा fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost we have 40,000 and PV ratio 60%. देखो कितना आ रहा है आंसर, 40,000 divided by 60%, 40,000
divided by 60%. Answer आ रहा है 66,667. And now let's do break even point in units. Formula हो जाएगा fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost is 40. Look in the table. Contribution per unit is 3. 40,000 divided by 3. Answer is 13333 units. Since units are in decimals, we'll write approx. Fine. Let's move on to the next part now. सबसे पहले वो लोग बोल रहे हैं also find out BEP. सबसे पहले if selling price is reduced, sorry, if selling price is increased by 30%, तो वो लिखना पड़ेगा. If selling price is increased by, they are saying 30%. तो अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना है वो देखना पड़ेगा. ओल्ड सेलिंग प्राइस इज 5 पर यूनिट, सो देयरफॉर न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 5 प्लस 30% विच इज रुपीज 6.5 पर यूनिट. राइट, एक बार अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा. सो न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेलिंग प्राइस इज 6.5, वेरिएबल कॉस्ट इज 2, सो कॉन्ट्रीब्यूशन आया 4.5 पर यूनिट. फाइन, इसके बाद नाउ दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट बीईपी और स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब यूनिट्स और रुपीज दोनों में करना पड़ेगा. अगर रुपीज में चाहिए तो पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा और पीवी रेशियो चेंज हो रहा है. क्यों? बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन भी चेंज हुआ और सेलिंग प्राइस भी चेंज हुआ. सो देयरफॉर न्यू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. कॉन्ट्रीब्यूशन इज 4.5, सेल्स 6.5 इनटू 100. करो डिवाइड. 4.5 डिवाइडेड बाय 6.5 इनटू 100, आपको पीवी रेशियो आया 69.2308%. फाइन, नाउ लेट्स कैलकुलेट योर ब्रेक इवन पॉइंट. सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस करते हैं. यहाँ पर फॉर्मूला आएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. सो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट चेंजिंग विच इज 40. पीवी रेशियो है 69.2308%. देखो आंसर कितना आ रहा है, 40,000 डिवाइडेड बाय 69.2308%. आंसर इज 57,778. Fine. Now, break even point in units. This should be fixed cost divided by contribution per unit, correct? Now, fixed cost is 40, contribution per unit is 4.5. Let's check. 40,000 divided by 4.5, answer aa raha hai 8889 units. Let's write approx and this is your answer. Fine.
Now let's do the second one, which says the fixed cost is increased by 50%. I guess it's 15. Yeah. So if fixed cost is increased by 15%, अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है दैट मींस सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, अगर इन तीनों में चेंजेस नहीं है मतलब पीवी रेशियो में भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर माय पीवी रेशियो विल रिमेन एज इट इज विच इज 60% एज वी कैलकुलेटेड. ठीक है, 60% ही आंसर आएगा. नाउ ओल्ड फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000 and therefore new fixed cost is 40,000 plus 15%. 40,000 plus 15% आंसर आता है 46,000 रुपीज. ठीक है, ये होने के बाद now let's calculate your break even point. सबसे पहले break even point इन रुपीस फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. फिक्स्ड कॉस्ट है 46,000, पीवी रेशियो है 60%. देखो आंसर कितना आ रहा है, 46,000 डिवाइडेड बाय 60% आंसर आ रहा है 76667 इन टर्म्स ऑफ रुपीस. So rupees 76,667, and now break even point in units. ठीक है, formula क्या होगा, fixed cost divided by contribution per unit. Now fixed cost is 46, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दिया है, सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट चेंजिंग, तो पर यूनिट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज कॉन्स्टेंट विच इज 3. तो अभी 46,000 डिवाइडेड बाई 3 करोगे आंसर आएगा 15,333 यूनिट्स एप्रोक्स. एंड वी आर डन विद द सेकेंड पार्ट, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. What are they saying? They are saying the fixed cost is decreased by 25%. If fixed cost is decreased by 25%. So if this is the case, ki fixed cost is decreased by 25%, that again means there is no changing selling price, variable cost and contribution. And that is why my PV ratio again remains कॉन्स्टेंट, जो पहले था वो ही रहेगा. फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000, देयरफॉर न्यू फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 40,000 डिक्रीज हो रहा है इसलिए लेस 25%. 40,000 माइनस 25% आंसर आ रहा है 30,000. Now we've got our fixed cost. Let's start with calculating break-even point. Break-even point सबसे पहले in terms of rupees. What will be the formula? Fixed cost upon PV ratio. Fixed cost is 30,000. PV ratio is 60%. 30,000 divided by 60% is 50,000 rupees. Fine. And now let's do break even point in units. Formula will be fixed cost divided by contribution per unit.
contribution per unit is also not changing. We'll take as we took your 3. So, yahan par aayega 30,000 divided by 3, which is 10,000 units. So, now the last one, which they are saying is, if the selling price is decreased by 20%, if selling price is decreased by 20%. So, तो अभी आपको सबसे पहले selling price देखना पड़ेगा कितना change हो रहा है. The old selling price that is given is rupees 5 per unit. If selling price is changing, it automatically means your contribution is also changing. So, सबसे पहले new selling price, which will be 5 minus 20%. देखो कितना रहे 5 minus 20%. It is rupees 4 per unit. Selling price change हुआ, simultaneously contribution भी change होगा. So, therefore, new contribution is equal to selling price minus variable cost. Selling price is 4, variable cost is 2. So, my new contribution is rupees 2 per unit. ठीक है? यहाँ पर भी देखो, variable cost 2 ही लिया था, वो ही रहेगा, because variable cost is not changing. Now, if contribution has changed, selling price has changed, and so will your PV ratio get changed. So, PV ratio is contribution upon sales into 100. Contribution I had 2, selling price 4 into 100. देखो कितना रहे 2 divided by 4 into 100. 50%. यह है आपका PV ratio. Now, let's calculate break-even point. सबसे पहले break-even point in rupees, formula hoga fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost is not changing, the original fixed cost is 40,000. My PV ratio has changed, which is 50%. 40,000 divided by 50%, answer aayega 80,000 rupees. And this is your new break even point in rupees. Simultaneously, we have to do break even point in units. Formula kya hoga? It will be fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost is 40. Contribution per unit has changed, which is 2. So, yeh aayega 20,000 units. And we have completed our question here. Ye char hi cheeze yahan par puchi thi. Easy? As I told you, I am picking up an easy question. So, sabse pehle original data ke according, you have to calculate your PV ratio and break-even point. Break-even point ke liye PV ratio ka requirement hai. Isiliye sabse pehle PV ratio calculate hua. And then they have given you 4 conditions. Wo 4 conditions ke liye, they have always asked you har ek condition mein ki BEP ratio nikalo. To BEP ka ratio nikalne ke liye, BEP ka formula use karne ke liye, jo changes the, wo changes ke according you have to solve it. Okay, I am done with all the questions by my side, taki main aapke liye solve karu. Ek extra last question main aap log ke liye de rahi hu, so that you can practice, and then we can finish with our marginal costing chapter. The question says, a company annually manufactures and sales 20,000 units of a product, मतलब manufacturing और sales 20,000 का है. The selling price is 50 and the profit earned is 10. Okay, selling price दिया है, profit दिया है per unit. फिर analysis of cost of 20,000 units दिया है, तो they are saying कि material का खर्चा 3 लाख आया, labour cost 1 लाख. Now this is important. Overheads के बाजू में bracket में लिखा है 50% variable. So that means 4 lakh का 50 is variable, which is 2 lakh. बाकी का 50% is fixed. तो आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, अगर variable cost is यहाँ पर दो तीन चीजें दी है, material, labour, and यहाँ पर overheads भी लेना पड़ेगा, but 50%. बाकी का 50% जाएगा fixed में. ठीक है? उसके बाद they are telling you, you are required to calculate contribution per unit, PV ratio, break-even sales in rupees, break-even sales in units. We've done this all.
Then they're telling you to calculate sales required to earn a profit of 4 lakh. Fine. Profit when sales is 18,000 units, ye bhi kiya hai. And last, margin of safety when actual sales is 7 lakh. Margin of safety nikalna hai, but ye assume karke ki actual sales 7 lakh hai. We've done this type of question as well. So I am done with all the questions for y'all. Quickly, let's give a glance for all that we've done. Sabse pehle we studied what is marginal costing, then we studied fixed cost is irrelevant for decision making, jo we've already proved in the questions as well as in the examples. Then there are three assumptions which you always have to remember when you study marginal costing. First, selling price per unit remains constant. Second, variable cost per unit remains constant. And third, fixed cost in total remains constant. Theek hai? After that, we saw individual formulas with their respective examples. Har ek formula we've understood and then we've done. Then in the next session, I gave you all the list of formulas. Wo list of formulas acche se padh lo. There are more formulas, but these formulas are sufficient enough for y'all to understand. And then we did rest of the sums. Har jagah par I've tried all to give a self-practice question, taki similar type ka question practice ho jaye. And with this entire thing, I am finishing my chapter here. And in the next session, we'll be starting with a new chapter. So I'll see you all there. Till then, keep practicing. Thanks for watching Graduate Guru. Thank you.